shit together. हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। डेब्यू को तैयार शाहरुख की बेटी। शाहरुख खान की लाडली सुहाना भी जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आ सकती हैं। पिछले दिनों उन्हें करण जौहर के ऑफिस में जाते हुए देखा गया था। वैसे इस बात के संकेत कुछ शाहरुख ने दिए थे। किंग खान ने कहा था सुहाना एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। प्रकाश झा की फिल्म में संजय दत्त। प्रकाश झा अब अपनी अगली फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म डकैती पर आधारित होगी। इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी दिखाई देंगे। फिल्म के लिए दोनों ने हामी भर दी है। तापसी लेंगी बदला। तापसी पन्नू ने स्कॉटलैंड में फिल्म बदला की शूटिंग शुरू कर दी है। तापसी ने कहा ये एक दिलचस्प थ्रिलर बनने जा रही है और मैं एक बार फिर अपने सहज दायरे से बाहर निकल रही हूँ। अनुपम खेर के फेवरेट है गोविंदा। अनुपम खेर ने गोविंदा से लंदन में मुलाकात की और इसकी एक फोटोग्राफ शेयर करते हुए लिखा लंदन में मेरे पसंदीदा अभिनेता से मिलना शानदार रहा। एक और केवल एक गोविंदा, मैंने इनके साथ कई फिल्में की हैं, इनके जैसा कोई नहीं है। अमीश के फैन वरुण धवन। राइटर अमीश की लेटेस्ट बुक सोहेल देव एंड द बैटल ऑफ बहराइच का अनावरण वरुण धवन ने किया। ये बुक लेजेंडरी हीरो राजा सोहेल देव की कहानियों की सीरीज इंडिक क्रॉनिकल्स के नाम से पब्लिश होगी। लंदन पहुंची मेंटल। कंगना रनौत फिल्म मेंटल है क्या की शूटिंग में बिजी चल रही हैं। कंगना इस फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए लंदन पहुंची हुई हैं। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में पिछले महीने ही खत्म हो चुकी है। एवेंजर्स ने कमाए 13,000 करोड़ रुपए। दुनिया भर के सिनेमाघरों में डंका बजाने वाली हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने $2 अरब करीब 13,500 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने ये कामयाबी रिलीज के 48वें दिन हासिल की। बिकने में अंगूरी भाभी। शुभांगी अत्रे इन दिनों थाईलैंड में छुट्टियां बिता रही हैं। उनका एक बोल्ड फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। फोटो में वो स्विमिंग सूट पहने नजर आ रही हैं। अब अंगूरी भाभी की और भी कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रहमान की बायोग्राफी अगस्त में। जीवनी का प्रकाशन कर रही कंपनी पेंगुइन ने कहा कि नोट्स ऑफ ड्रीम रहमान की सफलता की कहानियों को बयां करती किताब है। रहमान ने कहा इन वर्षों में आपने मुझे संगीत से जाना है, अब आप मेरे बारे में पढ़ेंगे कि मैं कैसा हूँ। हनुमान वर्सेस मई रावण का गाना रिलीज। एनिमेटेड शो छोटा भीम की निर्माता कंपनी ग्रीन गोल्ड एनिमेशन ने एनिमेटेड फिल्म हनुमान वर्सेस मही रावण का पहला गाना रिलीज कर दिया। ब्रेव एंड बोल्ड गीत में सुग्रीव और उनकी सेना शक्तिशाली रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी करती दिख रही है। पूनम पांडे की बोल्ड अदाएं। पूनम पांडे की बोल्ड तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं। साल 2012 में पूनम ने किंग फिशर कैलेंडर में अपनी जगह बना ली थी। इसके साथ ही वो अभी तक कई फैशन मैगजीन और कैलेंडर के लिए हॉट फोटोशूट करा चुकी हैं। रेखा देंगी स्टेज परफॉर्मेंस। रेखा पूरे 20 साल बाद स्टेज पर परफॉर्मेंस देने जा रही हैं। वो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में ठुमके लगाने वाली हैं। हालांकि वो पुराने गानों पर डांस करेंगी या नए गानों पर, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। भारत के दूसरे अंबानी हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी एक्टर होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने बिजनेस के अलावा खेलों के जरिए भी काफी पैसे कमाए हैं। वो हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं। सुनील शेट्टी रेस्टोरेंट्स के अलावा प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। फिल्म रेसरी के बारे में जानते हैं पब्लिक की राय। पिक्चर में जो स्क्रिप्ट है वो रुला भी देती है, हंसा भी देती है और हड़िया भी भेज देती है। सलमान खान वाज नाइस एंड इवन द सॉन्ग्स वर नाइस बट जस्ट ओके मूवी। और रेसरी बहुत अच्छी लगी और हमेशा सलमान भाई ईद में कुछ नया ही देते हैं। टाइगर से पहले रणबीर की दीवानी दिशा। दिशा ने बताया कि रणबीर कपूर उनके सबसे बड़े क्रश थे। वो रोजाना स्कूल जाते समय उसी रास्ते से निकलती थी जहां रणबीर के पोस्टर लगे होते थे। उस पोस्टर को वो तब तक मुड़कर देखती थी जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाए। सुनील ग्रोवर फिर बनेंगे मशहूर गुलाटी। सुनील ग्रोवर बहुत जल्द डॉक्टर मशहूर गुलाटी वाले किरदार को एक बार फिर से जीते हुए नजर आएंगे। इस बार टीवी पर नहीं बल्कि स्टेज पर वो लाइव ऑडियंस के बीच स्टेज परफॉर्म करेंगे। ये इवेंट 29 जून को दुबई में होना है। एक्स वाइफ के साथ मूवी डेट पर ऋतिक। हाल ही में ऋतिक रोशन एक्स वाइफ सुजैन और अपने दोनों बच्चों के साथ मूवी डेट पर गए। ऋतिक सुजैन भले ही अलग हो चुके हैं लेकिन अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। खिड़की पर खड़े होकर करती हैं सलमान का इंतजार।
सलमान ने बताया कि हम अक्सर ही देर रात तक घर लौटते हैं। सलमान खान की मां हमेशा उन्हें घर सुरक्षित वापस आते हुए देखने के लिए खिड़की पर खड़ी रहती हैं। जब भी सलमान की योजना रात में घर वापस न आने की होती है तो वो अपनी मां को खबर कर देते हैं। मायापुरी न्यूज़ रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कट।